हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सबाई के दुर्गा पूजार अनेक अनेक शुभेच्छा, प्रीति ओ भालोबाशा। बड़ोदेर के आमार प्रणाम, छोटोदेर के अनेक 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 आदर। सो आज है नवमी एंड आज मैं घूमने जा रही हूँ एट लास्ट, क्योंकि मैंने सोचा था क्योंकि घर में सिचुएशन ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी इस बार, बट दुर्गा माँ आई है एंड नहीं जाऊँ उनसे मिलने तो ये होता नहीं है, तो इसलिए मैं मम्मी के साथ जाऊँगी। तो कुछ पैंडल में जाऊंगी देखने के लिए, दूर से ही, क्योंकि हम सामने नहीं जा सकते मंडप के अंदर। तो मैं और मम्मी जाऊंगी, मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। तो ब्लॉग देखते रहो एंड हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो छोटू मोटू सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक। और अभी मैं, भाई और मम्मी हम निकल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं घूमने पैंडल होपिंग के लिए। क्या तुम्हें लोग लो जीवन क्या है? और ये है हमारी कॉलोनी के बाहर एक मंडप में। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हो ये जो बैम्बू के डिविजन्स है ये उसी लिए हैं ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो। और ये है वो होटल जिसके बारे में बता रही थी। और ये हमारा होटल है और यहाँ पे हर साल ऐसे अलग अलग स्टॉल लगते हैं, ऐसे जलेबी के, फिर लड्डू, बूंदे, नमकीन, ये सब के। और दुर्गा पूजा के टाइम पे स्पेशली बाहर से कारीगर लाया जाता है, स्पेशल जलेबी बनाने वाला कारीगर, क्योंकि हर किसी को नहीं आता। एंड हर साल क्या होता है, चाट के स्टॉल्स लगते हैं जैसे जो भी फास्ट फूड आइटम्स है, बट इस साल पेंडेमिक की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर भी जलेबी का स्टॉल इज़ मस्ट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, क्योंकि मिठाई के बिना तो हो नहीं सकता। एंड आप ये वेदर देख सकते हो, इतना अच्छा लग रहा है, ना ज़्यादा धूप है ना बारिश है, एकदम मॉडरेट वेदर एंड घूमने के लिए एकदम परफेक्ट। और मैं और मम्मी निकल चुके हैं रिक्शा में पूजा घूमने। भाई दुकान में ही है, एज आई सेड वो दुकान में ही रुक जाएगा। यहाँ पे पूजा जो मेन कुछ पूजा है वो मिडल ऑफ़ द टाउन है, तो हम वहीं जा रहे हैं अभी। जैसे कि मैंने बोला कि मैं मिडल ऑफ़ द टाउन में जो पूजा है वो सब देखने जा रही हूँ। और ये जो आप देख सकते हो ये बड़ा सा स्टैच्यू नहीं, ये बड़ा सा खम्बा जो है वो मिडल ऑफ़ द टाउन ही है। इसको थाना दारिया अली, रंगागुड़ा रोड, वो सब एरिया बोलते हैं। यहाँ पे ये फाउंटेन है मिडल ऑफ़ द टाउन जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए मैंने शूट कर लिया। Thank you.
पास दुर्गा मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर ही है स्पेशली। और यहाँ पे गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, हर पूजा होती है। एंड डेकोरेशन आप देख सकते हो इतना अच्छा लग रहा है। मैं अंदर नहीं जा पाई सिंस मेरे अंकल को एक्सपायर है, 1 मंथ नहीं हुआ तो हम किसी भी मंदिर या मंडप में नहीं घुस सकते, इसलिए मैं बाहर से ही थोड़ा शूट कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा है। बट मैं सोच रही थी जूम करके दुर्गा माँ का चेहरा दिखाऊँ आप लोगों को, बट नहीं हुआ। यहाँ मैं और एक मंडप में आई हूँ, इस जगह को ठंडा घर बोलते हैं। ओ, हर साल मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा करके पूजा होती है, बट इस साल क्या हुआ, पेंडेमिक की वजह से बहुत मिनिमम तरीके से पूजा हुई है। और आप देख सकते हो भीड़ इतना ज़्यादा है कि मैं, मम्मी, हम लोग दूर खड़े होके देख रहे थे। मैं दूर से ही वीडियो कर रही थी जूम करके, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत भीड़ है इसलिए मैं, मम्मी दूर ही थे। ये नौपुखरी रोड की पूजा है। नौपुखरी जो है तिनसुका का एक फेमस रोड है, और यहाँ पे जो है पूजा हर साल बहुत बड़े तरीके से, बहुत धूमधाम से होती है। बट फिर से यहाँ भी कोरोना की वजह से एकदम मिनिमम तरीके से पूजा हुई है, बट भीड़ आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा है। हम बाहर खड़े होके वीडियो कर रहे हैं। और अभी पूजा घूमने आए और हमने आइसक्रीम नहीं खाई, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं एक आइसक्रीम ले रही हूँ। मम्मी नहीं खाएंगी, सिर्फ मैं खाऊंगी। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ, और आते वक्त मैं दुकान से भुजिया एंड बूंदी लेके आई थी कि भूख भी बहुत लगी है। और मैं दोपहर को खाना खा के गई थी, उसके बाद अभी 8 बज चुके हैं, अभी मैं घर आई हूँ। तो ये डिनर तो नहीं है, बट अभी के लिए भूख मिटाने के लिए यही बहुत है। और यहाँ गाइज, मैं ये रेसिपी बहुत दिन से शेयर करने वाली थी, बट संभव मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैं आज फिर से बना रही हूँ, इसलिए मैं ये शेयर कर देती हूँ आपके साथ। सबसे पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल देना है, और फिर उसमें कलौंजी दे देना है। और कलौंजी जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर उसमें ये मिक्सचर दे देना है। इस मिक्सचर में टमाटो सॉस है, नमक है और हल्दी है। आप चाहो तो ग्रीन चिली, सॉरी रेड चिली पाउडर दे सकते हो, बट मैंने नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाता, बच्चे नहीं खा पाते, इसलिए बच्चे मीन्स मेरा भाई और मेरे कज़िन जो है वो। उसके बाद इसमें बॉयल्ड चने दे देने हैं। ये चने मैंने नमक, थोड़े से नमक दे के बॉयल किया है प्रेशर कुकर में। और आपको ये तब तक मिक्स करते रहना है जब तक इसका ग्रेवी टोटली ड्राई ना हो जाए। आप चाहो तो इसमें ग्रेवी डाल के रख सकते हो, बट आई प्रेफर इट ड्राई क्योंकि ये मैं एज ए स्नैक्स खाने वाली हूँ। अभी ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हो चुका है, ये पूरा पानी ड्राई हो चुका है। एंड हियर यू कैन सी, अभी मैंने ये सर्व कर दिया है एंड इट्स टोटली ड्राई। और ये हेल्दी प्लस टेस्टी है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडेड मसाले नहीं है, जस्ट द मिनिमम नीड्स। गाइज, आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो छोटू मोटू सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, और बेल आइकन भी मेरे भाई जैसा है, छोटू मोटू सा। और हाँ, अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो देन यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। बाय बाय।